में रजनी क्रिकेट काठरंग टीम आपको खेलती भी नजर आएगी। चाहे 50,000 क्यों ना एंट्री फी हो, 5 लाख का ही क्यों ना टूर्नामेंट हो, तो काठरंग टीम आपको जरूर खेलती भी नजर आएगी। हर्षद पिंडारी स्ट्राइकर इन पर, मैंने कहा था एक जमाना था साई बाबा नगर के इक्कू तो जीत चुके हैं, उदय कोलंबे यानी कि मोंटी या फिर बंटी, हर्षद पिंडारी, यहां में से दोनों में से कोई एक जीतने वाला है और वो लड़ाई होने वाली है दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी के साथ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पहले गेंद को बल्ले पर लेना मुनासिब समझा हर्षद पिंडारी ने, सिंगल चुरा लिया है 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद व्हाइट बॉल थी, वहां पर 1+ व्हाइट का तुक्का दौड़ा गया और उसके बाद हल्के हाथों से इस गेंद को खेला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। हर्षद पिंडारी ने सिंगल हासिल किया खुद का और खुद का खाता खोला और टीम को पहुंचाया 3 रनों पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, अपील की गई, लेकिन उस अपील को नकारते हुए 1 रन तो जरूर मिला है, शायद बल्ले से ये रन आता हुआ, क्योंकि अंदरूनी किनारा लेकर गेंद शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई थी, क्योंकि अंपायर का रिएक्शन नहीं है लेग बाई या बाई का, तो यकीनन बल्ले से टच होके गेंद बाद में पैड पे लगी होगी। टीम का टोटल अंपायर क्या, हाँ लेग बाई, तो डिसीजन दीजिए अपना पूरा मेन अंपायर। और ये देखिए अर्शद पिंडारी ने इस गेंद को खेला, ड्यू फैक्टर ने काम किया, गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। ऐसा लगा था कि कैच हो सकता है, कैच हो सकता है ऐसा लगा था, लेकिन हुआ नहीं। देखिए यहां से मुझे नजर भी नहीं आई गेंद कहां पे मारी है। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, हमारे स्कोरर भी है रोहित पवार, रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन जो है उसके ये स्कोरर है। छगन पाटिल जो दुबई से इस मैच को लाइव देख रहे हैं, उनके तरफ से प्रवीण शेठ बैलमारे के इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं आ चुकी है। तेजस ठोबे हमारे वाड़ा के कमेंटेटर, उनके तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। प्रवीण शेठ गोविंद बैलमारे के ऊपर जो प्यार है, लोग दोनों हाथों से लुटा रहे हैं उस प्यार को। पिंटिया पठारे और साईनाथ करंसकर, साईनाथ करंसकर और पिंटिया पठारे, इनकी तरफ से गेंदे इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर की जा चुकी है। यूट्यूब स्पॉन्सर हम देख रहे हैं युवा नेता अजिंक्य पाड़गे को, लेकिन हर्षद पिंडारी ने स्क्वायर कट खेला है, लेकिन गेंद ने थोड़ी सी दिशा बदली, लेकिन गेंद ने जरूर दिशा बदली, लेकिन बाउंड्री पार हुई, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। ऋषिकेश बैलमारे इन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए जो मेहमानों के लिए मोमेंटम जो सम्मान हम करते हैं मोमेंटम के साथ इस प्रतियोगिता को, वो मोमेंटम हमें दिया है। हाँ देखिए साईनाथ करण जीकर टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि ज्यादा गेंदे लगती हैं यहाँ पे, गेंदे स्पॉन्सर करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हर्षद पिंडारी ने फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को ड्राइव किया था, 1 रन जरूर मिलेगा और ये दूसरा रन भी मिलता हुआ। काटरंग टीम खेल रही है विनेश्वर वर्जी खोपोली के खिलाफ, 14 रन अच्छी शुरुआत में कहूंगा मैंडेटरी पावर प्ले के इस ओवर में। लेकिन सामने है उदय कोलंबे जिन्होंने कई गेंदबाजों को पानी पिलाया है, व्यावसायिक क्रिकेटर है काफी। एक मुझे याद है बगैर संजय सोलंकी के खेलते हुए मोपाड़ा में इन्होंने क्या बारी खेली थी, कुंदन और उदय कोलंबे ने सुप्रीमो में, जो सुप्रीमो आने वाले दिनों में आ रही है 22, 23, 24 जनवरी। हाँ शंकर महादेव जैसे गेंदबाज के खिलाफ दिन और रात में लगातार 3-3 छक्के लगाए थे उदय कोलंबे ने।
रोहित पाड़गे भी हमें शायद नजर आ सकते हैं सुप्रीमो में खेलते हुए, तहसील वाइज हाफ से। गौरव घोषालकर तो डेफिनेटली खेलेंगे क्योंकि इनफॉर्म है, खालापुर जो पिछले साल नंबर एक की पोजीशन पर थी तहसील वाइज हाफ में, उसमें गौरव का भी बड़ा हिस्सा था। लेकिन इस साल आदर्श नवीन पनवेल आगे जा रही है तहसील वाइज हाफ, उन्होंने दो जीते हैं बदलापुर और किंजल ट्रॉफी। कल हम इस टूर्नामेंट के आखिरी रात को हम देखेंगे तहसील वाइज हाफ कौन सी टीम जीतने वाली है। नए गेंदबाज रुपेश म्हात्रे, देखिए तुषार धुमाल नजर आ रहे हैं शॉर्ट फाइनली के ऊपर तुषार धुमाल नजर आ रहे हैं, पैनी निगाहों से देख रहे हैं कमेंट्री के दरमियान। हम उनसे जरूर पूछेंगे लेकिन ये रिवर्स के जरिए खेला गया बेहतरीन स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर, अजिंक्य दर के ब्रांडेड छक्का। सेवन विलास में जिस तरह लजीज जायका मिलता है लोगों को खाने के लिए, उसी तरह क्रिकेट की दुनिया का ये लजीज स्ट्रोक लगाया अजिंक्य दर्गे ने। टीम का टोटल 20 रन, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रशांत कवड़े के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। यहां पर उनकी होती है समीर बोराडे साहब, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पर आए और आप अपने स्वागत का स्वीकार करें। समीर जी बोराडे इस प्रतियोगिता में आ चुके हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। दत्ता जी तांबड़े साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि समीर साहब का स्वागत किया जाए। देखिए धीरे धीरे क्राउड यहाँ पर आता हुआ, ऊपर प्यार है जो अच्छा होगा। फ्री हिट, हेलीकॉप्टर घुमाते हुए अपना अंपायर राहुल उलवेकर। डब्ल्यूटीसी के माध्यम से मैंने पहला इंटरव्यू लिया था, कोलके के हमारे राजेश पाटिल साहब का। लेकिन ऑन साइड के ओवर खेला, वाह रे वाह, फ्री हिट का सही इस्तेमाल। 27 में आधा हुआ टोटल। अजिंक्य दर्गे देखिए जिस तरह उनका होटल फेमस है उस तरह उनकी बल्लेबाजी फेमस हो रही है इस ग्राउंड के ऊपर। डीजे श्रावणी इन्होंने दो छक्के लगातार, क्योंकि बीच वाली नो बॉल थी उस वजह से दो छक्के लगातार, 500 का इनाम है लगातार 3 छक्कों के ऊपर। प्रमोद जाधव इनकी तरफ से 45-50 जिनके गाड़ी का नंबर है, देखिए गाड़ियों के नंबर से आजकल फेमस हो रहे हैं सभी। 40-40 सरकार, 12-12 अचिंक्य पाड़गे की गाड़ी का नंबर देखिए 12-12, 12-12। तो सोचिए मराठी में अगर मैं कहूंगा तो अचिंक्य पाड़गे कैसे होंगे। लेकिन ये गेंद कमेंट्री बॉक्स में आती हुई, नंबर 6 अचिंक्य दर्गे ऑन फायर। और देखिए लगातार तीसरा छक्का, उस वजह से प्रमोद जाधव इनकी तरफ से 500 का इनाम पा लिया है अजिंक्य दर्गे। पहले से इन्हें कोई पैसे की कमी नहीं है फिर भी पैसा मिल रहा है, सोचिए। हाँ ये इनाम है उनके लिए उनके अच्छी खेल के कारण। और इसीलिए मैं कह रहा हूं विनोद सोलंकी कि चाहे ख्वालापुर में कितनी भी बड़ी क्रिकेट रजनी क्यों ना हो, इस विभाग में 5 या 10 लाख की भी काठरंग टीम हमेशा खेलती हुई नजर आएगी आपको। रिचेस्ट टीम, वन ऑफ द रिचेस्ट टीम इन ख्वालापुर, सभी के सभी कम से कम 2 लाख के ऊपर मंथली। और टीम का देखिए 1000 किलो वजन हो सकता है। तैतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पुनीत जांगिड़ देखिए गड्डी के नाम से मशहूर,
उनका वजन ही शायद 90 किलो के ऊपर होगा। सोचिए 12 खिलाड़ियों का वजन कितना होगा, फिर टीम का टोटल 33 रन। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। रोहित पवार का स्कोर कार्ड ये बता रहा है, टीम का टोटल आ चुका है 31, 33, कितना 33, 33 रन। अरे भाई बताया मैंने 33। देखिए ड्यू फैक्टर की वजह से हम भी थोड़ा सा ठंड महसूस कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ा जोर से बोलिए रोहित ताकि हमें सुनाई दे। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए तुषार धुमाल अगर अगला ओवर लेते हैं और विकेट हैट्रिक हासिल करते हैं, ओवर नंबर तीसरा, राइट आर्म राउंड द विकेट, और ये रिवर्स खेला है। कॉर नंबर 6 अजिंक्य दर्गे ऑन फायर, क्या बल्लेबाजी हो रही है। हर्षद पिंडारी का नाम तो जरूर सुर्खियों में आ रहा है काटरंग की तरफ से, लेकिन अब नाम आएगा सुर्खियों में अजिंक्य दर्गे का। श्रीकांत जी पाटिल साहब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाणार आहे। नाही विसरव विसरलो नाही मी, पण आता थंडी एवढी वाजते जाणवते। निखिल शेळके के कमेंटेटर हमारे माडप, इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। देखिए सामने वाला क्राउड ही नजर नहीं आ रहा है, वहां पे क्राउड है लेकिन नजर ही नहीं आ रहा है, यहां से नजरें देखिए। तो टोटल देखिए 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39 क्या रन बनाए हैं। जितनी ज्यादा रीच टीम है उतना ही उनका रीच स्कोर कार्ड 39, 39 लॉस ऑफ 0। तो नए गेंदबाज गौरव सबका, देखिए तुषार शायद चौथे ओवर के लिए आएंगे, वादा किया है मुझसे तुषार ने, नंबर 4 वाला ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट हर्षद पिंडारी के लिए, लेकिन रनों के दबाव में आ चुके हैं गेंदबाज। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, 40 पे पहुंचता हुआ टोटल 20 की औसत से, बहुत ज्यादा रन है ये 20 की औसत से 40 रन। ऐसे सिचुएशन में इन्होंने ये रन बनाए हैं जहां पर गेंद को फील्ड करना भी मुश्किल हो सकता है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, देखिए हर्षद पिंडारी काफी अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अजिंक्य दर्गे अगर इतना अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। भले ही मेरा नाम बड़ा क्यों ना हो, मैंने बड़ी टूर्नामेंट्स क्यों ना खेली हो, लेकिन क्रिकेट का एक दस्तूर है दोस्तों, क्रिकेट का एक वजूद होता है जिसका बल्ला चले उसे ज्यादा मौका मिलना चाहिए। तो मौका दिया है, अब देखना ये होगा। अजिंक्य दर्गे अपने निजी खेल रहे हैं 25 के योगदान पर, 8 गेंदों में 25 रनों की एक शानदार जानदार और काटरंग का जो वजन है वैसी वजनदार पारी, 9 गेंदों में 25 क्योंकि ये गेंद आती हुई डॉट। देखिए चेयर अप हो रहा है खेमे से, कह रहे कि भाई दरगे खड़े रहो रन बनेंगे। और ये देखिए अजिंक्य दर्गे कॉर नंबर 6 ऑन फायर, 31 रनों की शानदार पारी और टीम का टोटल पहुंच चुका है 47, 47 लॉस ऑफ 0 काटरंग टीम। तुषार तुम्हारे देखिए पैर इस ठंड में भी उनके लटपला रहे होंगे, कैसे गेंदबाजी करूं इतने रनों के बाद। ये बातें मुझे विनोद सोलंकी ने बताई है, प्रेशर में आ चुके होंगे तुषार धुमाल, लेकिन कर सकते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करना उनके जीवन की एक परिभाषा है। विनोद तुषार धुमाल जो है जिन्होंने स्ट्रगल किया, स्पोर्ट शॉप खोली, बिजनेस में आगे गए, स्ट्रगल किया, कमेंट्री में आगे गए, तो स्ट्रगल करना यह उनके लिए आम बात है। संघर्ष हमेशा अपने जीवन में वो जारी रखते हैं।
देखिए, एक दर्शक ठंड के माहौल में स्वेटर पहनने के बजाय बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहन के आए हैं। क्या क्या सोच होती है लोगों की। बहुत ही बढ़िया रिवर्स शॉट इन्होंने इजाद किया है, खुद को साबित किया, एस्टैब्लिश किया है। प्रैक्टिस प्लस इम्प्रोवाइजेशन प्लस टाइमिंग प्लस पावर, हमेशा कहते हैं मिस्टर डायनामाइक गौरव घोषालकर, शायद वो सब चीजें वो अपने रिवर्स में इस्तेमाल करते होंगे अजिंक्य दरगे। यहां पर फाइन लेग पर गेंद खेला है, शॉर्ट फाइन लेग को चीरती हुई जा रही है, रेस लगी है दो फील्डर के बीच, लेकिन दो रन जरूर पूरे करेंगे और इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई ओवर नंबर तीसरा 49। तीसरा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद अभी भी शेष। अभी पाटिल हमारे साथ है, जो हमारे लिए प्रसाद चौधरी 4550 गाड़ी नंबर है जिनका, उन्होंने जो 500 रुपये हम कमेंटेटर्स के लिए दिए हैं, मैं अभी पाटिल सर के पास सुपुर्द करना चाहूंगा। हाँ, विनोद सोलंकी देख रहे हैं भाई। बहुत ज्यादा रन बनाए जा चुके हैं तीसरे ही ओवर में। देखिए 50 को छू लेने वाली बल्लेबाजी, और यह 4 या 6 नंबर 4 कारपेट के सहारे गेंद गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। अजिंक्य दरगे क्या पहला 50 इस श्रृंखला का हमें देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि निजी टोटल है उनका। एक शानदार पारी अब तक और टीम का टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 53। चलिए तुषार धुमाड़ अगर आते हैं यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं, विकेट हैट्रिक हासिल करते हैं, तो विनोद सोलंकी इनकी तरफ से और हमारे जो केदारी साहब है इनकी तरफ से, इन दोनों की तरफ से 1,000 का इनाम। पानी लेकर जाइए ग्राउंड के ऊपर। आज दोनों अंपायर ने अच्छा काम किया है आज की रात में, मुझे काफी अच्छे लगते हैं जब अंकेश तांबड़े को मैं अंपायर की जगह देखता हूँ, क्योंकि एक सीनियर क्रिकेटर है, क्रिकेट को बारीकी से देखा है, टीम मैनेजर थे ये रोशन 11 वंजारपाड़ा आरपीएल में, लेकिन 4 गेंदे 4 ना होने की वजह से सुपर 16 में इनकी टीम जगह नहीं बना पाई, क्योंकि उसके बाद जो तीसरा मैच इन्हें खेलने का मौका मिला वहां पर हार का मुकाबला करना पड़ा। विश्वजीत ठाकुर को लगभग इन्होंने हराया था, वीर मराठा जोए जो नंबर 2 का खिताब जीती थी सीजन 3 में आरपीएल का, उस टीम को लगभग हराया था, लेकिन 4 गेंदे 4 रन। मुकेश नाइक जैसे बल्लेबाज को भी मौका नहीं मिला था बना बनाने का। प्रफुल्ल मोगल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पारगांव के, लेकिन क्या 50 बनाएंगे अजिंक्य दरगे। अगर ये 50 बनाते हैं ना तो मैं अपनी तरफ से इनके होटल में मुफ्त में खाना खाऊंगा। सवन विलास का टेस्ट भी अलग है, एक अलग टेस्ट है, एक अलग जायका है। कल हम देखेंगे जब हार की टीम मैदान पर उतरेगी तो मुजीब खरबे के लजीज जायके के बारे में हम बात करेंगे, जो खिलाड़ी व्यावसायिक स्तर पर आगे जा रहे हैं उनका, उनको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है, उनके बिजनेस की एडवर्टाइजिंग भी होना ज़रूरी है अभी पाटिल, ताकि इन खिलाड़ियों को टेनिस क्रिकेट के साथ साथ अपने व्यावसायिक जीवन में भी सफलता हासिल हो। देखिए 12th मैन, बिल्कुल सही कहा विनोद सोलंकी ने आपने, इनका वजन भी काफी अच्छा रहा है कैटरिंग टीम का। 12th मैन को ही देखिए ना, 12th मैन के ऊपर एक बार आप नजरें तो घुमाइए। बॉलर ने प्लीज अल्पेश, देखिए मुझे उम्मीद थी शायद एक आध ओवर उनके द्वारा करने का मौका मिलेगा, हमें देखने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल अजिंक्य दरगे खेल रहे हैं। 37 पर टीम खेल रही है 53। चौथा ओवर चल रहा है, क्या 60 का टारगेट। हर्षद पेंडारी ने इस गेंद को खेला, लेट खेला लेकिन थेट खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन पुल के जरिए इस गेंद को भेजा आसमान तारामंडल में। डीजे अपना दम दिखाया है 59 रन, और हमारे अजीज दोस्त
सूरज मेहतर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। रातों के बादशाह जिन्हें माना जाता है, सूरज मेहतर। उनसठ रन, क्या बल्लेबाजी हो रही है आदित्य और हर्षद पिंडारी की। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन एक रन ना जरूर मिलेगा। लेग बाई के तौर पर अंपायर का इशारा आ चुका है। 60 रन, देखिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाईएस्ट टोटल होगा आज की रात का, ये हाईएस्ट टोटल। गेंदबाज अल्पेश इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद। 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं वीरेश्वर वर्चिकोपोली को। अब नूर और मॉन्टी का चलना जरूरी है, इन रनों का अगर पीछा करना है तो। 37 के निजी योगदान पर अजिंक्य दर्गे, क्या पहला 50 आज की रात का देखने का मौका मिलेगा। लेकिन यह पल्लू स्कूप करने की कोशिश की गई थी, यह पल्लू स्कूप जब सफल हुआ तो पूरा रायगढ़ खुश हुआ। आकाश तारेकर का 1 गेंद 4 रन, रायगढ़ बनाम ठाणे, पूरा रायगढ़ झूम उठा था उस वक्त। देखिए भेल वाले भी मुझे नजर नहीं आ रहे, और ये गेंद और ये कैच अजिंक्य दर्गे की शानदार खूबसूरत पारी का अंत। 15 गेंदे 37 रन, डीजे श्रावणी। सोलंकीश, अगर काटरंग टीम को थोड़ी वजन में कमी नजर आ रही है तो हमारे जो मोटू है ना, मोटू शुभम वालेकर, वो अगर उनकी टीम का हिस्सा हो गए तो मजा आएगा और भी। प्रवीण शेठ गोविंद बैलमारे पुरस्कृत ये प्रतियोगिता, प्रणीत 11 सवरुड़ी ऑर्गेनाइज, विधायक ट्रॉफी, दमदार आमदार महेंद्र शेठ थोरवे चषक। तो टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 60 रन, 60 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, नए बल्लेबाज नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आर्यन। देखिए बल्लेबाज को यह समझ आना चाहिए, हर्षद पिंडारी ने क्रीज पे ज्यादा वक्त बिताया है, क्यों ना उन्हें मौका दिया जाए सिंगल निकाल के, क्योंकि जाके कोई स्ट्रोक नहीं खेल सकता, पहले सेट होना जरूरी है। हर्षद पिंडारी ने भी देखिए पहली जो गेंद थी इनिंग की जो खेली थी, एक्स्ट्रा शॉट एक्स्ट्रा कवर पर हल्के हाथों से स्टीयर किया था। अजिंक्य दर्गे ने रिवर्स के जरिए रनों को बनाया है ज्यादातर परसेंटेज अगर उनके इनिंग की हम देखेंगे। ओमकार सप्पल ने उस कैच को लिया था, लेकिन यहां पे देखिए सिद्धेश और सिद्धेश, देखिए सिद्धेश को हम पहचान भी नहीं पाए ड्यू की वजह से। अंकित सर ने पीली जर्सी पहनी है इसलिए हमने उनको पहचाना, लेकिन सिद्धेश को हम पहचान भी नहीं पाए थे कि सिद्धेश है। मैंने पूछा कौन है अंपायर भाई, कौन है मेन अंपायर की भूमिका में। काफी अच्छी अंपायरिंग हो रही है, सूरज पांडे डिनर ब्रेक ले रहे हैं और आगे का इस मैच का आंखों देखाल सुनाएंगे मेरे साथ ही अभी पाटिल सर।
अच्छा बड़े सिंधाव चंडू संगता मैं आत पहा मिलती है इतना सुरुआत चांगली करा लगे ये पैला षटक है और पैला षटका में दमदार सुरुआत करा लगे तो निश्चितपे 62 धाव संख्येपर्यंत तुम्हें पोचू शका। पैला चंडू निर्धाव आला है फलंदाज मॉन्टी हा फलंदाज मत स्ट्राइकिंग एंड वरती है डावे हाथ था फलंदाज कुछ पता चेंडू होता इतने मात्र चेंडू बराज काल हवे में पहाय मिलत है शतक्षक चेंडूपर्यंत पोचना तत्पूर्वी दोन धावा या चेंडू पर अगली व्यवस्थित कंप्लीट जात दोन धाव संख्य मदती धाव संख्य खाता उगड़ गया मॉन्टी बैट मधुन हा फटका जरूर आला दोन धावा मात्र जरूर स्वरूप पूर्ण जा दशरथ पाटिल विकेट हैट्रिक सा एकवीस रुपया रोख कैश प्राइज दिया जाए पारितोषिक कोणता खेळाडू मात्र मिळवतो याकडे मात्र लक्ष आहे या मॅच मध्ये दमदार सुरुवात करतो आहे अगदी चांगला प्रकारचा फटका स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू निघून चाललाय पंच आमच्याकडे सांगतात की या चेंडूवरती फटका आलाय षटकार डीजे दो एक षटकार फलका वरती आठ धाव है पहला चेंडू निर्धाव स्वरूप पहाय दोन धाव आया षटकार अपन पाला जो मॉन्टी बैट मधुन पाला तो फलका वरती धाव है बिनबाद आठ धावा धाव फलका वरती है सुरुआत चांगली करता पहाय मिलता है मॉन्टी चेंडू वरती फटका फसला है निसटता निसटता का होना हा इतन जेल घी सफलता मिलती है गोलंदाज ऋषभला टीजे जोड साखळीतला एक फलंदाज आहे जो मॉन्टी अगदी स्वस्थामध्ये परतला ज्याच्याकडे विश्वास होता ज्याच्याकडे मात्र संघर्ष करण्याची ताकद होती तो फलंदाज मात्र तंबूच्या आसला परतला मॉन्टी हा अगदी चार चेंडूचा सामना केला आणि आठ धावसंख्येवरती मात्र माघारी परतला 62 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे सुरुवात चांगली केली निश्चित स्वरूपाची झाली होती एक षटका त्याच्या बॅटपर्यंत जरूर आला होता त्यानंतर अगदी संघर्ष मात्र थांबला गोलंदाज ऋषभच्या माध्यमातून तो विकेट मात्र प्राप्त केला गेला मॉन्टी स्वस्थामध्ये परतला नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये विनय नाईक हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकाल आठ धावा धाव फलकावरती आहेत सुरुवात कशी होईल पहिले षटक सुरू आहे जे ऋषभच्या माध्यमातून हाताळलं जात आहे जिथे संघर्ष करण्याला कुठेही मात्र वाव दिला जात नाही आहे मोठा फटका खेळण्यापासून पूर्णपणे वंचित ठेवला गेला जिथे अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत यावेळेस कोलवा टप्प्याचा चेंडू होता बॅटच्या अगदी खालच्या पट्ट्यामध्ये या चेंडू लागलाय कोणत्याही प्रकारची धाव या चेंडूवरती घेतली जात नाही आहे निर्धाव चेंडूची होती आहे सांगता तर फलकावरती धाव आहे त्या एक गडच्या मोहबदल्यात आठ धावा धाव फलकावरती आहेत जिथे मॉन्टीचा अडथळा दूर केल्यानंतर विनय नाईक आणि नूर हे दोन फलंदाज मात्र धावपट्टीवरती पाहू शकाल हे त्यावेळेस चेंडू पडल्यानंतर पूर्णपणे बाहेर निघतो आहे आणि पंच निधाव चेंडूची होती सांगता कारण इथे ड्यू फॅक्टरमुळे आम्हाला फारसा दिसत नाही आहे चेंडू कुठे चालणार आहे पंचांचा निर्णय काय येतोय ह्या ड्यू फॅक्टरमुळे आम्ही देखील पूर्णपणे विचलित होतो आहे फलकावरती धाव आहेत त्या आठ आणि कदाचित उद्या प्रवीण सर 5 वाजता मॅच सुरू होण्याचे चान्सेस आहेत आणि सूचना आली आयोजकांकडून की उद्या संध्याकाळी ठीक 5 वाजता मॅच सुरू होतील
हाँ निश्चित याची अगदी आपण दक्षता घ्या की पांच वाजता मॅच सुरू झाल्या आहेत, कारण ह्या ड्यू फॅक्टर मध्ये अगदी चांगल्या मोठ्या संघांना हा फटका बसू शकतो. थंडीचं हे चित्र आपण पाहायला गेलं तर आता 12 वाजलेत. गोलंदाज दुसरा एक काळ होता मगाशी सांगितलं प्रवीण सरांनी की ज्यावेळेस काटरंग एक जमाना होता काटरंग टीमचा, ज्यावेळेस आपण पाहिला जुना खेळ जर आपण अनुभवला तर बंटी पेंढारी एक क्रिकेटच्या पटलावरचं एक चांगले नाव आणि निश्चित स्वरूपाचं पाहायला गेलं तर तशा प्रकारची गोलंदाजी त्या मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. पहिला चेंडू जरूर निर्धाव आलाय, अगदी संभ्रमामध्ये टाकणारी गोलंदाजी पाहायला मिळती आहे. नशिबाने साथ दिली आहे आणि यशरक्षकाने केलेली चुकी आणि त्यानंतर मिळाली एक सिंगल धाव. तवफलकावरी एकेरी अंकाने वाढ होईल, 9 धावा तवफलकावरती येतील. नऊ धावा धाव फलकावरती येत, एक सिंगल मात्र अगदी नशिबाने मिळाली, एकेरी अंकानं वाढ पाहायला मिळाली. यावेळेस मात्र पडल्यानंतर चेंडू सरळ ऑन ड्राईव्ह गेला, शतक्षक वेगाने या चेंडूपर्यंत पोहोचतायत. एक धाव या चेंडूवरती कम्प्लीट झाली. एकेरी दुहेरी मात्र संघर्ष करतोय खऱ्या अर्थानं वीरेश्वर वरची खोपोली. संघर्ष करावा लागेल, प्रयत्न करावे लागतील या मॅचमध्ये टिकून राहायचं असेल तर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. परंतु इथे या मॅचमध्ये काय घडतंय, हा चेंडू मात्र पूर्ण खराब आहे, अतिरिक्त बाहेर निघतोय, वाईट चेंडू पंचांनी घोषित केलाय. अभांतर धाव मिळते या चेंडूवरती, धाव फलकावरती वाढ होती. या 11 धावा धाव फलकावरती येत ऋषभची गोलंदाजी आपण खऱ्या अर्थाने पाहिली. परंतु यावेळेस या चेंडूवरती काय घडलंय, आसमानी फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचणार, तत्पूर्वी हा झेल मात्र सुटला गेला. या चेंडूवरती धावा कम्प्लीट झाल्या 2, या 2 धावीने धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 13 धावा धाव फलकावरती येत. अगदी थंडी आता हळूहळू वाढती आहे आणि प्रेक्षक देखील आता हळूहळू या मॅचला मात्र एन्जॉय करतात. या लाडक्या प्रेक्षक मायबाबांचं मनापासून स्वागत. हा जी सेकोटी कोणी भिडवली असेल तर त्या ठिकाणी प्लीज आपण ती बंद करायची आहे, आयोजकांना आपण सहकार्य करायचं आहे. प्लीज ती सेकोटी भिजवा आपण. या चेंडूवरती काय घडलं, चेंडू मात्र क्षेत्रक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतो आहे, तत्पूर्वी मात्र या चेंडूवरती धावा कम्प्लीट झाल्या ती 1. धावफलकावरती धावा आहेत त्या टोटल 14 धावा धावफलकावरती आहेत. सरळ मात्र चेंडू बॅक टू द बॉलर खेळला गेला. एक धाव या सर्व चेंडूवर देखील कम्प्लीट होते. एका धावेने मात्र धावफलकावरती वाढ होईल. जिथे सुरुवातीला आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये धावा फक्त आल्या होत्या 8, हे षटक देखील खऱ्या अर्थाने संपले. 12 चेंडूंचा खेळ इथे मात्र संपलाय. 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या टोटल 15. जिथे पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 8, षटक क्रमांक दुसरं बंटी पेढाने हटवलं. अगदी चांगल्या प्रकारची गोंदाजी पाहायला मिळाली आणि 7 धावा खर्च केल्या, कारण इथे धावा रोखायच्या होत्या आणि त्या धावा रोखण्यामध्ये पूर्णपणे यशस्वी झाले ते दोन्ही गोलंदाज, जे ऋषभ आणि त्याचबरोबर बंटी पेंढारी. 12 चेंडूचा सामना केला, धाव फलकावरती धावा आहे टोटल 15. जिथे मात्र आता गरज असेल, 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 47 धावसंख्येची गरज आहे. खूप अंतर पार करायचं आहे आणि हे अंतर पार करायचं असेल तर इथून मोठे फटके घ्यावे लागतील, प्रयत्न करावे लागतील, दमखम दाखवण्यातून फटके तुमच्या बॅटमधून यावे लागतील. थंडीचा ओघ आहे आणि या थंडीच्या अक्षा वातावरणामध्ये चांगल्या प्रकारची फलंदाजी या ठिकाणी करावी लागेल. चेंडू शिल्लक आहेत 12, 47 धावांची गरज आहे. या मॅचमध्ये काय घडेल, कारण स्ट्रायकिंग एंडवरती फलंदाज आहे विनय नाईक, उजव्या हाताचा फलंदाज ऑन स्ट्राईक आहे. 12 धावसंख्येत वाढ होईल. धाव फलकावरती धाव आहे टोटल 16 धावा धाव फलकावरती आहेत. सिंगल डबलला परत महत्व दिलं जात आहे आणि सिंगल डबलने जास्त काही या ठिकाणी फरक पडणार नाही. एक मोठे फटके आता इथून घ्यावे लागतील तुम्हाला, कारण बरंच अंतर पार करायचं आहे. हे अंतर पार करत असेल तर मोठे फटके घ्यावे लागतील, चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यावा लागेल, खराब चेंडूवरती मोठे फटके घ्यावे लागतील. ही अशी सुरुवात तुम्हाला करावी लागेल.
कारण हे अंतर तर पार करत असेल तर अशा सिंगल डबलनी काही फरक पडणार नाही. फुलकावरती धावा आहे टोटल 16 धावा धाव फुलकावरती आहेत. पुनीत हा गोलंदाज मात्र पाहू शकताय. यावेळी सकुटपाचा चेंडू होता, नशिबाचा साथ मिळती आहे विनय नाईकला. चेंडू गली क्षेत्रामधून ट्रॅव्हल झालाय. नूरच्या बॅटमधून हा चौकार येतोय. डीजे चौकार आला नशिबाचा आणि त्या चार धावेने धावसंख्येत वाढ पाहायला मिळाली. 21 धावा 20 धावा धाव फलकावरती आहेत. या चेंडूवरती देखील गली क्षेत्रामध्ये चेंडू मात्र निघून चालला आहे अगदी कार्पेट लेवलला. चेंडू सीमा पार होतो या चेंडूवरती आला दणदणीत चौकार. धावसंख्येत वाढ पाहायला मिळाली. 24 धावा धाव फलकावरती आहेत. ही सुरुवात या आधी करायला हवी होती. पुणेत यावेळेस मात्र चेंडू पूर्णपणे खाली जातो आहे. अगदी रिव्हर्स टाकण्याचा प्रयत्न होता आणि यावेळेस या चेंडूवरती कोणत्या प्रकारची धाव येत नाही. निर्धाव चेंडूची होती सांगता. धाव फलकावरती धाव आहेत त्या टोटल 24 धावा धाव फलकावरती आहेत. उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत आता 6 आणि 38 धावांची गरज आहे. 38 धावा कशा प्रकारे बनवले जातील. टेन्शन आता टेन्शन वाढलंय जे खऱ्या अर्थाने वीरेश्वर वरची खोपोली संघासाठी खूप मोठं अंतर आहे. हे अंतर कापायचं आहे. खूप मोठं टार्गेट होतं आणि ते टार्गेट सेट करताना अगदी दमचाक पाहायला मिळती आहे. कारण जिथे मॉन्टी बाद झाला त्यानंतर अगदी असं वाटलं होतं की नूर आणि विनय नाईक आपल्या संघाची बाजू मांडतील. परंतु तिथे देखील थोडेसे कमी पडले आणि इथे संघाला मात्र अगदी अडचणीमध्ये आणलंय. कारण चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करत असताना आता पाहिलं तर दोन चौकार जरूर त्याच्या बॅटमधून आले ते नूर जे मागच्या षटकामध्ये पाहिले. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या टोटल 24 धावा धाव फलकावरती आहेत. यावेळेस मात्र कुटाब्याचा चेंडू होता. चेंडू लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये मात्र चाललाय. पंचांचा निर्बल आलाय. लॉंग ऑन सीमा पार या चेंडूवरती आलाय हा षटकार. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या टोटल 30. चेंडूवरती एक धाव कंप्लीट होत्या. एका धावेसाठी मात्र संघर्ष करतायत. एकच धाव मात्र या चेंडूवरती मिळेल. 31 धावा धाव फलकावरती आल्यात. चार चेंडू शिल्लक आहेत आणि 31 धावसंख्येची गरज आहे. या मॅच मध्ये पूर्णपणे आपली पकड मात्र निर्माण केली आहे ती खऱ्या अर्थाने काटरंग टीमने. चला साईबाबा नगर संघाचा कर्णधार त्वरित या ठिकाणी आपण यावेळी सरळ फटका खेचलाय. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक देखील आशालभूत नसून या चेंडूकडे पाहत राहतोय. चेंडू निघून गेलाय लॉंग ऑन सीमा पार षटकार. उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत आता 4 आणि 2. उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक आहेत. उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक आहेत. नशिबाचा चौकार आलाय मिड विकेट रिजन मध्ये. या 4 धावसंख्येच्या मदतीने धाव फलकावरती धाव आहेत त्या टोटल 41. उर्वरित शेवटचा आता एक चेंडू शिल्लक आहे आणि 21 धावसंख्येची गरज आहे. हा सामना इथून जिंकलाय खऱ्या अर्थाने काटरंग टीमने. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण वळणार आहोत ज्याने खऱ्या अर्थाने चांगल्या प्रकारची फलंदाजी केली आणि अगदी सगळ्यांची मनं जिंकली. जो
बैट मधून 15 चेंडू आणि 37 धावा संख्येचा पाठलाग केला तो अजिंक्य दर्गे ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आणि 500 रुपयांचा रोख कॅश प्राइज देखील त्यांना दिलंय. तर मी विनंती करेन अजिंक्य दर्गेंना की आपण व्यासपीठावर यावं मॅन ऑफ द मॅचचा ही ट्रॉफी घेण्यासाठी.